नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ दक्षिण एशिया में चीन अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर चीन तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। इसी बीच चीन और ताइवान के बीच भी नफरत काफी बढ़ गई, क्योंकि कोरोना काल में चीन को ताइवान बुरी तरह पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आज हम जिस कहानी को बताने जा रहे हैं वो ये है कि आखिर चीन और ताइवान एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। तो इसका कारण है, चीन ने ताइवान को हमेशा से ऐसे प्रांत के रूप में देखा है जो उससे अलग हो गया। चीन मानता रहा है कि भविष्य में ताइवान चीन का हिस्सा बनकर रहेगा, जबकि ताइवान की एक बड़ी आबादी अपने आप को एक अलग देश के रूप में देखना चाहती। यही वजह रही है दोनों के बीच तनाव की, और इसकी शुरुआत होती है साल 1642 से। साल 1642 से 1661 तक ताइवान नीदरलैंड्स का हिस्सा था। उसके बाद चीन का चिंग राजवंश साल 1683 से 1895 तक ताइवान पर शासन करता रहा। लेकिन साल 1895 में जापान के हाथों चीन की हार के बाद ताइवान जापान के हिस्से में आ गया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने तय किया कि ताइवान को उसके सहयोगी और चीन के बड़े राजनेता और मिलिट्री कमांडर चैंग काई शेक को सौंप देना चाहिए। लेकिन कुछ सालों बाद चैंग काई शेक की सेनाओं को कम्युनिस्ट सेना से हार का सामना करना पड़ा और उनके सहयोगी चीन से भागकर ताइवान चले आए और कई सालों तक 15 लाख की आबादी वाले ताइवान पर प्रभुत्व रहा। कई सालों तक चीन और ताइवान के बीच बेहद कड़वे संबंध होने के बाद साल 1980 के दशक में दोनों के रिश्ते बेहतर मधुर होने शुरू हुए। तब चीन ने वन कंट्री टू सिस्टम के तहत ताइवान के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपने आप को चीन का हिस्सा मान लेता है तो उसे स्वायत्तता प्रदान कर देगा। लेकिन ताइवान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और साल 2000 में चेन शुआई बियान ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए, जिन्होंने खुलेआम ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन किया और ये बात चीन को नागवार गुजरी। तब से ताइवान और चीन के संबंध तनावपूर्ण ही जारी रहे। बीच बीच में जरूर ताइवान ने चीन के साथ व्यापारिक संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की। इसी महीने जब अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान की मौजूदा राष्ट्रपति साई इंग वेन से फोन पर बात की तो इसे अमेरिका की ताइवान को लेकर चली आ रही नीति में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा गया। लेकिन इसके पीछे की एक कहानी पहले आप उसे समझ लीजिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद साल 1979 तक अमेरिका ताइवान के संबंध बेहद खास रहे। फिर साल 1979 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने चीन से रिश्ते प्रगाढ़ करने की पहल करते हुए ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए। हालांकि तब अमेरिकी कांग्रेस ने इसके जवाब में ताइवान रिलेशन एक्ट पास किया, जिसके तहत तय किया गया कि अमेरिका ताइवान को सैन्य हथियार सप्लाई करेगा और अगर चीन ताइवान पर किसी भी तरह का हमला करता है तो अमेरिका उसे बेहद गंभीरता से लेगा। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच सबसे ज्यादा तनाव तब देखा गया जब साल 1996 में ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव को अपने तरीके से प्रभावित करने के लिए चीन ने मिसाइल परीक्षण किए, जिसके जवाब में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसे वियतनाम युद्ध के बाद एशिया में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य प्रदर्शन कहा गया। अमेरिका ने ताइवान की ओर बड़े युद्धक अमेरिकी जहाज भेजे और चीन को संदेश देने की कोशिश की कि ताइवान की सुरक्षा से अमेरिका कोई समझौता नहीं करेगा। अब वही एक बार फिर कोरोना के कारण अमेरिका की हालत पस्त है और अब अमेरिका पूरी तरह से चीन के खिलाफ है और ताइवान के पक्ष में। यही कारण है कि चीन और ताइवान के बीच ठन गई। लग रहा है कि चीन भारत ताइवान और अमेरिका के साथ तीन तरफ से युद्ध करेगा। लेकिन जो भी हो, ताइवान के रुख से नहीं लगता कि वो अपनी आजादी से पीछे हटेगा और इसी कारण चीन और ताइवान के बीच पटती नहीं है।